नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां सीखते हैं आप एडवांस एक्सेल। तो दोस्तों, मेरे पास एक छोटी सी रिपोर्ट्स है जो कि हमने एक्सेल में बनाई हुई है। उसी रिपोर्ट्स को हम अलग अलग सोर्स जैसे कि टैबलू, जैसे कि पावर बी आई, इस पर हमें बनाना है। जैसे कि आपके सामने बता रहा हूँ मैं, राइट। जैसे कि हमारे पास एक डेटा है जिसमें किस सोर्स पे कितने वाच मिनट टाइम किया गया है और कितने व्यूज है, क्या ड्यूरेशन ड्यूरेशन है, कितना इंप्रेशन है, कितना क्लिक है, वगैरह वगैरह। तो अगर मैं चार्ट पे आता हूँ, यहाँ पे डैशबोर्ड पे आता हूँ, अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ गूगल सर्च, तो गूगल एक मिनट, मैंने गलती से क्लिक कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे गूगल सर्च पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि मेरे पास गूगल सर्च का ही चार्ट आ रहा है। और ये चार्ट कहाँ से आ रहा है? ये हमारा चार्ट इसमें से आ रहा है। इसमें डेट वाइज, सोर्स वाइज हमारे व्यूज हैं। और चार्ट डेटा में इसका ये बनता है, जितने सेलेक्ट करूँगा उतने फील्ड्स बनते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे जीमेल सेलेक्ट कर लिया तो फिर यहाँ पे आपको दिखेगा जीमेल्स का, जीमेल का डेटा आपको दिख रहा है। तो अब मुझे यहां इसी तरह का रिपोर्ट, इसी तरह से सिमिलरिटी रिपोर्ट जो है हम अपने टैबलू में चाहते हैं। तो हमने टैबलू डेस्कटॉप वर्जन को ओपन कर लिया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे जाते हैं। थोड़ा सा टाइम ले रहा है। हाँ, इसमें मैं अपनी लोकेशंस पे आता हूँ। और इसको ओपन करता हूँ। ये थोड़ा स्लो परफॉर्म करता है। और एक डेटा आ गई। अब इसमें मेरे पास पहला हमारा चार्ट का डेटा है और दूसरा हमारा टेबल डेटा है। तो टेबल डेटा उठा के ड्रैग आउट करता हूं और फिर यहां से हम वापस ये हो गया। और दूसरा हमारे पास एक और डेटा है चार्ट का, तो उसको भी रखता हूं। अब इन दिनों के दोनों के बीच में रिलेशनशिप होना जरूरी है। रिलेशनशिप जैसे कि यहां पे हुआ, तो रिलेशनशिप में क्या होना चाहिए? तो व्यूज व्यूज को किया हुआ है, तो हम यहाँ पे डेटा सोर्स इसमें ज्वाइन जो है, इसमें डेटा सोर्स में हमने यहाँ पे सोर्स टाइटल और इसको लिंक, इसको भी हमने जो हमारा सोर्स टाइटल चार्ट है इससे लिंक कर दिया, क्योंकि दो डेटा है तो लिंक होना चाहिए। उसके बाद पहले इसमें हम जाते हैं और पहले वाले में हम यहाँ पे अपने यहाँ से क्या बोलते हैं, डेट चार्ट के अंदर जो डेट है इस डेट को यहाँ रखते हैं। और उसके बाद इसके अंदर व्यू है, उस व्यू को हम यहां रखते हैं। और एक्सपेंड करते हैं क्वार्टर, मंथ, और ये हम कर देते हैं डेट।
और इसको हम यहाँ लाइन चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा लाइन चार्ट हो गया। फिर एक और यहां से हम सीट लेते हैं, इस सीट में हम अपना सोर्स टाइटल, वॉच आवर, व्यूज, इंप्रेशन और भी जो रखना है वो रख सकते हैं। यहां से हमने रख दिया, यहां पे चेंज कर दीजिए। सोर्स टाइटल और यहां सीट वन पे यहां रख देते हैं। डेट वाइज क्लिक और फिर वापस यहां हम डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहां से हम वर्टिकल लेते हैं। वर्टिकल में सीट वन को हम पहले ऊपर डालते हैं और सीट टू को इसके नीचे डालते हैं। जैसे मैं इस पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे जो फिल्टर लगा है इस फिल्टर को हटा देता हूँ। हम फिल्टर इस पे लगाते हैं, इस पे फिल्टर लगाते हैं हम सोर्स टाइटल के अकॉर्डिंग। सेलेक्ट उसके बाद वापस हम सोर्स टाइटल को नहीं यहाँ पे ये तो हो गया। और सीट वन पे आता हूँ, राइट क्लिक, शो फिल्टर। ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। एक बार दोबारा सीट वन को यहाँ रखता हूँ। ये रिपोर्ट बन गई। मैं यहाँ से अगर हटा दिया, अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे क्रोम का ऐप रखता हूँ तो उसके हिसाब से आएगा, दोनों के हिसाब से आएगा। इस तरह से वन बाय वन आएगा, ऐसा नहीं कि इसको अलग अलग हमें दिखा देगा जैसे कि एक्सेल में होता है उतने लाइन, लेकिन हाँ जिसे वो क्लिक करेंगे डेटा उसी के अकॉर्डिंग समर्स में आएगा, क्योंकि इसमें मल्टीपल लाइंस जो है लाइन चार्ट में नहीं दिखता है।
और यहाँ लेकिन इस तरह से सीट टू में आता हूं और इसके भी फिल्टर्स को यहां रख देता हूं। तो ये हमारा रिपोर्टर, अब इसको मैं पीडीएफ में सेव कर लेता हूँ या फिर किसी को शेयर कर सकता हूँ तो इजली ये शेयर हो जाएगा। तो ये तो सिंपल रिपोर्ट्स थी, इसी में अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आगे भी आप इसमें मेरे वीडियो को देखते रहिएगा, इस तरह के वीडियोज़ मैं अपलोड करते रहता हूँ। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, मुझे कॉल कर सकते हैं।